You're a superhero. हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिस इस प्रकार के न्यू एटीट्यूड स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। सो गाइस, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की। अगर आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ, बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप से मैं आपको वैसे ही करना, आपका वीडियो पूरा परफेक्ट बन जाएगा। ओके, सो सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का साइज को सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, फिल करना है। ओके, अब फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करना है और आपको इस वाले वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके एडिट कर लेना। सो एक मतलब एक फेयर वीडियो है, इसे लोडिंग करके लिखा हुआ है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके एडिट कर लेना। तो आपको इस वीडियो को पहले एडिट करना है। ओके, सो इसको एडिट करने के बाद फिर आपको फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और आपको अपनी फोटोज़ को यहाँ पे एडिट करना है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पे फोटो लगने वाला है वो अराउंड 9 इमेज के आसपास लगेगा। ओके, सो अपना कोई भी 9 फोटो को आप यहाँ पे एडिट कर लेना। सो गाइस मैं अपना 9 फोटो को यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, 9 इमेज को। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको 9 फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको डन करना है। अब डन करने के बाद फिर आपको शुरू में नहीं आना है, आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आपका इमेज स्टार्ट हो रहा है, और लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और आपको सिंपली इस वाले जो वीडियो को एडिट करना है। ओके, सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब इसको डाउनलोड करके एडिट कर लेना। सो गाइस मैं यहाँ पे इस वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाले वीडियो को मैंने एडिट कर लिया है। सो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को एडिट करना है, बट उससे पहले आपको शुरू में आ जाना है और लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। सो मतलब उसको एडिट करके करने के बाद भी आप कर सकते हो, तो यह काम आप जरूर से करना। और मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करना है, फिर आपको इसी वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे आना, स्टैक ऑडियो पे क्लिक करना है, इसका ऑडियो निकाल के इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना। ओके, अब गाइस आपको करना क्या है, जो लोडिंग वाला वीडियो है ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम करना है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो हमारा बीट है ना 8.5 सेकंड के आसपास इसको हम रख लेंगे। ओके, उसके बाद इधर हम ट्रिम करेंगे इस प्रकार से, और जो अब ग्रीन स्क्रीन वीडियो को हमने एडिट किया था इसको अब यहीं पे लेके आ जाएंगे जहाँ से हमारा इमेज स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो गाइस फिर आपको मतलब इस वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिया, आप लोग देखते हो। फिर आपको यहाँ पे क्रोमा की में जाना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और क्रोमा की में जाना है और यहाँ पे इसको इनेबल करना है। ओके, सो इस प्रकार से इनेबल करना है और ये जो नीचे वाला है ना, आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसको इस प्रकार से इस साइड कर देना है, राइट साइड। ओके, 60 के आसपास आप रख लेना तो आपका जो एडजस्ट हो जाएगा सही से, ये की कलर ग्रीन रहना चाहिए। ओके, सो गाइस इतना आपको कर लेना। अब इतना करने के बाद आपको अब देखो गाइस क्या करना क्या है। सो सबसे पहले इसको घींच के भरा करना है, और भरा करने के बाद सिंपली आपको देखो थोड़ा आगे जाना है और जहाँ पे स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा है ना इस प्रकार से, यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। उसके लिए आपको सिंपली कैजी आइकन पे क्लिक करना है और आपको ये सेकंड नंबर का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इस प्रकार से कर दिया है। फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पे फिर से इस वाले इमेज को यहीं पर ट्रिम करना है, बिकॉज यहाँ पर हमारा दूसरा इमेज आएगा। ओके, तो आपको इसी प्रकार से मतलब सेम इसी प्रकार से आपको इन नौ इमेज को ट्रिम कर लेना है। सो गाइस मैंने आपको बता ही दिया तो आप ट्रिम कर ही लोगे। तो आपको कहाँ पर ट्रिम करना है, यहाँ पे जहाँ पे आगे जाना है जहाँ पे पूरा स्क्रीन इस प्रकार से ब्लिंक हो रहा है ना, ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ट्रिम कर लेना है। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पे ट्रिम करना है और एक इमेज को आपको यहाँ पे ट्रिम करना है जहाँ पे हमारा ग्लास वीडियो खत्म हो रहा है, और उसके बाद एक इमेज हमारा इधर रहेगा जो कि खाली रहेगा पूरा। ओके, इसको हम यहाँ पे लास्ट में ट्रिम कर देंगे। इस प्रकार से हमारा इमेज ट्रिम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। इतना आपको कर लेना। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, देखो वैसे आपको अपनी इमेज में एनिमेशन लगाना। ओके, मतलब जिस प्रकार से ये जूम हो रहा है उसी प्रकार से हमारा इमेज भी जूम होगा। ओके, आप देखो इसको दो प्रकार से कर सकते हो, या तो आप इसमें आप क्लिक ग्राफिक्स सेट कर सकते हो जिसका नाम है इन एनिमेशन। इन एनिमेशन डाउनलोड करने के लिए आपको उस क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और बॉक्स आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इन एनिमेशन दिख जाएगा, सो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके,
या तो गाइस यहाँ से आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हो। इस प्रकार से आपको इसको मतलब सेलेक्ट करना है, अपनी इमेज को यहाँ पे क्लिक करना है और जो है ना इन पोजीशन को आपको जूम करना होगा। ओके सो इन पोजीशन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा अपनी इमेज को जूम कर लेना होगा। अच्छे से आप जूम करोगे तो जितना अच्छे से उतना अच्छा से आपका जो इमेज में एनिमेशन लगेगा। ओके तो इस प्रकार से जूम कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी दो उंगली से टैप करके जूम करोगे यहाँ से। ओके सो ये तो होगा, मैंने इसमें जूम किया, इस प्रकार से ये एनिमेशन लग गया। तो आप मतलब अगर इन एनिमेशन एड करना चाहते हो तो इन एनिमेशन से आपको सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको इन एनिमेशन से आपको ऐड करना होगा जो है 44 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स। ओके तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो इस प्रकार से ये एनिमेशन जूम एनिमेशन ला सकता है, पर उतना अच्छा से नहीं लगा, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप यहीं से जूम इफेक्ट लगाना। ओके सो ये इन पोजीशन को आपको बस थोड़ा सा जूम करना होता है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप इन एनिमेशन भी लगा सकते हो। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन से कर लेना। ओके तो इतना आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया। सो आपको इसी प्रकार से लगा देना। ओके सो गाइस फिर आपको देखो करना क्या है, आपको आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आपका पहला इमेज स्टार्ट हो रहा है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको इस ग्लास जो है ना ब्रोक ग्लास वीडियो को एडिट करना है। सो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, ब्रेक ग्लास है तो मैं ब्रोक बोल रहा हूँ, सो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे देखो देख सकते हो ये जो ब्रेक ग्लास है, मैंने इसको इसको एडिट किया है। फिर आपको यहाँ पे ना जो आगे हमारा इमेज स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे इसको हम ट्रिम कर देंगे इस प्रकार से यहाँ पे आके। ओके और ट्रिम करने के बाद अब गाइस इसको फुल स्क्रीन आप कर लेना इस प्रकार से यहीं से। और गाइस इसका जो ऑडियो है ना वो आप म्यूट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जो भी करना आपको पहले इमेज में कर लेना। ओके मतलब पहले वीडियो में कर लेना, मैंने म्यूट कर दिया है। और इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। ओके इस प्रकार से ये स्क्रीन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस देखो करना क्या है, सिंपली आपको इसी वाले जो है ना ब्रेक ग्लास वीडियो को एडिट करना है, मतलब सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप डुप्लीकेट वाला आइकन पे क्लिक करोगे इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है इस वाले जो है हमारा ब्रेक ग्लास वीडियो जो है हमारा, सो इस पर हमें मतलब लॉन्ग प्रेस करना होगा और उसको स्लाइड करके साइड राइट साइड और यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे हमारा दूसरा इमेज स्टार्ट हो रहा है। ओके इस प्रकार से, तो अब आपको इसी प्रकार से डुप्लीकेट निकालना है इसको भी और इसको स्लाइड करके इस प्रकार से लॉन्ग मतलब इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको स्लाइड करके साइड अब लगा सकते हैं। ओके सो इस प्रकार से आप इन नवो इमेज में इस प्रकार से कर लेना। और हाँ गाइस इसका लेंथ जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको पहले इसको लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और जहाँ पे इसका लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है वहाँ पे इसको ट्रिम कर सकते हो। ओके और जहाँ पे कम हो रहा है वहाँ पे आप बढ़ा के अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जहाँ तक हमारा ये इमेज है वहाँ तक हमारा ये जो है ना ग्लास वीडियो रहेगा। ओके सो इसी प्रकार से आपको ब्रेक ग्लास वीडियो को इस प्रकार से मतलब डुप्लीकेट निकाल मतलब कर करके आपको इन आठ इमेज में लगाना है। ओके जो नंबर इमेज है सबसे लास्ट इमेज उसमें आपको नहीं लगाना है। ओके ये जो इमेज रहेगा ना आपको इसमें नहीं लगाना, बाकी इन सब में इसी प्रकार से डुप्लीकेट कर करके लगा देना। ओके तो मैंने आपको बता दिया, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस देखो करना क्या है, लास्ट वाला जो इमेज है ना इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आ जाओ तो आप वही एनिमेशन लगा सकते हो या तो आप उस प्रकार से इसमें मतलब स्लाइड शो जो है लगा सकते हो, लेकिन मैं इन एनिमेशन एडिट करूँगा इसमें। ओके सो इस प्रकार से मैं एड कर लेता हूँ, कौन सा 44 नंबर वाला, इस प्रकार से आप लगा लेना। उसके बाद आपको सिंपली शुरू में आना है और लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। गाइस देखो आप पूरा प्रोसेस कर लेना फिर आपको ये काम करना है, तो मैंने बस आपको एग्जांपल दे दिया है तो आप पूरा कर लेना। ओके और गाइस यहाँ से आपको इस वाले वीडियो को एडिट करना है, ये जो मतलब हमारा है ना क्या बोलते हैं इसको लाइट वाला वीडियो, इसको एडिट करना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन करना है और यहाँ पे आपको ट्रिम करना है जहाँ पे हमारा जो लोडिंग वाला वीडियो है खत्म हो रहा है। ओके फिर आपको वहीं पे आना जहाँ पे इस वीडियो को हमने ट्रिम किया है, जहाँ से हमारा फोटो स्टार्ट हो रहा है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और गाइस इस टेम्पलेट वीडियो को एडिट करना है, इसका साइज इस प्रकार से बढ़ाना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। अब स्क्रीन करने के बाद फिर आपको देखो करना क्या है, इसको सेंड टू बैक कर देना है, इस प्रकार से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। इतना करने के बाद आपकी जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। सो इस प्रकार से हमारा वीडियो बनाइए, आप लोग देख सकते हो मैंने उतने अच्छे से नहीं बनाया, बट आप बिल्कुल मतलब अच्छे से बनाना, थोड़ा अच्छे से टाइम देंगे तो आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ओके सो फिर आपको शेयर के आइकन पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।